हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परी क्लोथ बुटीक। आज मैं हेयर स्कार्फ स्क्रंची की वीडियो लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने स्क्रंची बनाने के लिए साटन का फैब्रिक लिया है, जो 2.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा फैब्रिक है। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को साइड की तरफ से 2 फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। हम दोनों साइड से इसी तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने फैब्रिक को सिल लिया है दोनों साइड से, और इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। इसके बाद हम किसी भी नुकीली चीज़ से इसे पलट लेंगे। इसके बाद हम 2 पॉइंट चौड़ा इलास्टिक लेंगे, जिसकी लंबाई हमें 9 इंच रखना है। हमें एक्चुअल लेंथ इसकी 7 इंच चाहिए, तो हम इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसे भी किसी भी चीज़ से इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पे अगर नॉट लगाना चाहें नॉट भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इस फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने स्क्रंची बना लिया है। अब हम स्कार्फ की तैयारी करेंगे। स्कार्फ बनाने के लिए मैंने दूसरा साटन का फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 21 इंच है और विड्थ 8 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ बढ़ा सकते हैं, विड्थ ना बढ़ाएं, विड्थ ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है। अब जो दोनों साइड का बंद साइड है, इस तरफ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसके बाद हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है, और इसके किनारे किनारे हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें लगभग 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाना है, ताकि हम इसे पलट सकें। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा ली है 1.5 इंच छोड़ते हुए। अब हम इस जगह से इस फैब्रिक को पलट लेंगे किसी भी नुकीली चीज़ से। अगर आप हाथ से पलट सकते हैं तो हाथ से ही पलट लें। इस तरह से। इसके बाद जो खुली साइड है, यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। इसके बाद हम स्क्रंची में इसे अटैच करेंगे। तो अटैच हमें सुई धागा से नहीं करना है, इसमें हमें बस एक नॉट लगाना है। तो नॉट हमने जहाँ पे स्क्रंची पे सिलाई लगाई थी, उसी जगह पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।